हेलो दोस्तों, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एयर को सर्कुलेशन के लिए जो एयर वेंटिलेशन डक्ट होती है उसके अंदर एक डैम्पर लगा होता है। सभी डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एयर डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रेफ्रिजरेटर में ये मैनुअल ऑपरेटेड होते हैं, जबकि किसी किसी में ये थर्मोस्टेटिक ऑपरेटेड होते हैं, जिसे हम रीसेट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर जो डैम्पर लगा हुआ है उसे हम यहाँ दिखलाते हैं कि ये डैम्पर हमारा ये थर्मोस्टेटिक टाइप है। यानी अगर डैम्पर किसी डबल डोर रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में होगा तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में थर्मोस्टेट स्विच लगी होगी। यानी जब भी कभी इस तरह के डबल डोर रेफ्रिजरेटर में यहाँ का जो कूलिंग फैन है वो एयर को सर्कुलेट कर रहा होता है तो यहाँ से जो चिल्ड एयर है, यानी इस इवापोरेटर की जो चिल्ड एयर है, वो यहाँ से फ्रीजर में आती है और इस रास्ते से यहाँ से नीचे के कंपार्टमेंट में आती है। साथ ही साथ ये जो हमारा कवर्ड है एरिया, इससे डक्ट के जरिए से जो चिल्ड एयर है वो यहाँ से इन रास्तों से होती हुई इस कंपार्टमेंट में आती है। लेकिन यहाँ से जब ये एयर वापस जा रही होती है तो वापस एयर जाने वाली जो हॉट एयर है वो इस चारों डक्ट के रास्ते से, यानी यहाँ जो चारों रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इससे होती हुई ये अंदर की तरफ आती है और यहाँ पर एक हमारा डैम्पर लगा हुआ है। इस डैम्पर के जरिए से अगर ये रास्ता हमारा डैम्पर का ओपन है तो ये एयर ऊपर की तरफ जाती है, और अगर ये रास्ता ओपन नहीं है तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ नहीं जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा जब ये रास्ता हमारा चिल्ड हो जाता है तो ये डैम्पर का रास्ता ये क्लोज हो जाता है। ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर की एयर वेंटिलेशन डक्ट है। इस डक्ट में थर्मोस्टेटिक एयर डैम्पर लगा है जो एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। डैम्पर को समझने के लिए आइए इस डक्ट को केयरफुली खोलते हैं। ये डैम्पर का डोर है जो हवा की ठंडक को सेंस करके थर्मल बल्ब के जरिए ऑपरेट होता है। जब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में ठंडक ज़्यादा होती है तो उसकी ठंडक को सेंस करके थर्मल बल्ब के जरिए ये दरवाज़ा बंद होता है, और ठंडक में कमी या गर्मी होने पर यह डोर ओपन होता है, जिससे रेफ्रिजरेटर की हवा डैम्पर से होते हुए डक्ट के जरिए इवापोरेटर कॉइल तक पहुंचती है और ठंडी होकर वापस रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में आती रहती है। ये डैम्पर मैनुअली भी एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए इसमें नाब लगी होती है। इस डक्ट में ये चार रास्ते हवा के वापस जाने वाले हैं। जब हवा इससे अंदर जाती है तो ये हवा डैम्पर के जरिए कंट्रोल करके ऊपर भेजी जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडक होने पर डैम्पर के आसपास बर्फ जम जाती है, जिससे ये डैम्पर स्टक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, जिससे हवा का गुजरना बंद हो जाता है, जिससे फ्रीजर में आइस होने के बावजूद रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में कोई कूलिंग नहीं होती। ऐसे में फ्रिज को डिफ्रास्ट कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डैम्पर का थर्मल बल्ब फ्रीजर से आने वाली हवा के रास्ते में रहता है और ये इसका एडजस्टेबल नाब है, जिससे हवा के बहाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये दोनों डक्ट ऊपर से ठंडी हवा के आने का रास्ता है, जबकि रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट से हवा इस चार रास्तों से डैम्पर के जरिए ऊपर फ्रीजर तक पहुंचती है। का जो थर्मोस्टेटिक बल्ब है,
ये बल्ब यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेफ्रिजरेटर चैम्बर से जो हवा है वो इन रास्तों से होती हुई, यानी इस रास्ते से और इस रास्ते से जब अंदर जाती है, तो इसका जो डैम्पर है अगर यहाँ पर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हवा का सर्कुलेशन होने देता है, यानी ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे आती हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती हैं, ये सर्कुलेशन होता रहता है जिससे यहाँ ठंडक मेंटेन होती है। पर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडक होने पर ये जो थर्मल बल्ब है, यानी ये जो थर्मोस्टेट लगा है जिसका ये थर्मल बल्ब है, ये इसके डैम्पर को रास्ता इसका बंद कर देता है जिससे हवा का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। पर इस केस में जब ये बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है तो उस वक्त यहाँ का जो थर्मोस्टेट स्विच है वो इस कंप्रेशर को बंद कर देता है जिससे कि कूलिंग का होना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे जब फिर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये थर्मोस्टेट सिस्टम को ऑन करता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वक्त यहाँ का जब टेम्परेचर बढ़ा होता है तो ये रास्ता भी खुला होता है जिससे हवा का सर्कुलेशन होने लगता है। इस रेफ्रिजरेटर में आप देख रहे हैं कि थर्मोस्टेट स्विच ऊपर है जबकि डैम्पर इस नीचे के कंपार्टमेंट में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इस एलजी के डबल डोर रेफ्रिजरेटर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऊपर के कंपार्टमेंट में ये मैनुअल ऑपरेटेड डैम्पर है जिसे हम यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखें, जब ये फैन चल रहा होता है तो यहाँ से आने वाली जो चिल्ड एयर है वो इस रास्ते से, यानी जितना हम इस रास्ते को खोलते हैं, ये देखिए जितना रास्ता ये खुला होगा उसी हिसाब से ये एयर नीचे के कंपार्टमेंट में जाती है। अगर हम इसे पूरी तरह से ओपन करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के कंपार्टमेंट में चिल्ड एयर जाएगी, और जब हम इसे कम खोलेंगे तो नीचे के कंपार्टमेंट में कम जाएगी। ये भी एक हमारा डैम्पर है, पर ये मैनुअल ऑपरेटेड है। यहाँ पर इसका एक सिस्टम भी दिया हुआ है कि एक नंबर पर रेफ्रिजरेटर कूल होगा जबकि फ्रीज़र उतना ठंडा नहीं होगा, वार्म होगा। इसी तरह से अगर हम इसे सुपर फ्रीजिंग पर रख देते हैं, यानी इस जगह, तो इस जगह के आने पर का मतलब ये है कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद है और सारी की सारी कूलिंग इस जगह आएगी। इस केस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनुअल ऑपरेटेड डैम्पर यहाँ है जबकि इसके नीचे के कंपार्टमेंट में यहाँ पर थर्मोस्टेट स्विच है कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हो गया हो तो ये थर्मोस्टेट स्विच सिस्टम को ऑफ कर देता है। यानी डैम्पर तो दोनों ही रेफ्रिजरेटर में होगा, चाहे वो इस तरह की हो चाहे वो इस तरह की हो। यहाँ पर हमें ये मैनुअल ऑपरेटेड डैम्पर है जबकि यहाँ पर, यानी यहाँ का डैम्पर थर्मोस्टेटिक ऑपरेटेड है जबकि इसका हमारा मैनुअल ऑपरेटेड है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला डैम्पर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे इस तरह की आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।